Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। रविवार को दिल्ली के कुछ बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ मार्केट को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने एक आदेश के बाद दिल्ली के पंजाबी बाग और नागलोई के बाजारों में जो बंदी लगाई गई थी उस आदेश को एक दिन के अंदर ही वापस ले लिया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा जारी आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन बाजारों को पूरी तरह बंद करने के आदेश थे, लेकिन सोमवार सुबह ही उस आदेश को वापस ले लिया गया। इसके पहले दिल्ली सरकार ने इशारा किया था कि पूरी राजधानी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिन इलाकों में संक्रमण की स्थिति ज्यादा गंभीर होगी वहां कुछ सख्ती जरूर की जाएगी। इस आदेश को उसी संदर्भ में देखा जा रहा था। दिल्ली आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि दिल्ली के पंजाबी बाग बस्ती, नागलोई के कुछ इलाके और रोहिणी के कुछ इलाकों में बाजारों को बंद करने का आदेश है, क्योंकि इनके कुछ इलाकों में मास्क न पहनने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आदेश को लागू कर दिया गया था। इन इलाकों में बाजार 30 नवंबर तक बंद रखने थे, लेकिन सोमवार को जारी आदेश के बाद अब कोई बाजार बंद नहीं रहेगा। उल्टा प्रशासन के आदेश के बाद वहां मार्केट एसोसिएशन के मेंबर जरूर नाराज नजर आए। सील करना इनका गलत था, गलत तरीके से सील की गई। यहां पे मतलब मार्केट में कोई डिस्टेंसिंग का पूरा पालन था, सैनिटाइजर भी हुई है और पालन भी पूरा कर रहे थे, मगर इन्होंने बाहर की जो ये भीड़ है, इस रोड पे जो चलती हुई भीड़ है, उसको बिहाब बना के इन्होंने हमारी मार्केट को सील करने के ऑर्डर कर दिए। मैं डीएम की मीटिंग में भी गया था शुक्रवार को, जो मीटिंग हुई थी इन्होंने हमारे को बुलाया था, उसमें कोई अच्छी बात नहीं थी बिहाब की मार्केट सील कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी जो मर्जी कह लो जी, बदमाशी कह लो या जो मर्जी कह लो, अच्छा तरीका नहीं था इनका जो इन्होंने सील की। मार्केट खोलने का आदेश भले ही जारी कर दिया गया हो, लेकिन स्थानीय लोगों ने अभी भी कोई सबक नहीं सीखा। सोमवार को आदेश वापस लेने के साथ ही मार्केट में दोबारा भीड़ देखने को मिली। इस वक्त मैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में मौजूद हूं और ये जनता मार्केट है। कल यहां से जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहला देने वाली थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाकायदा शॉपिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने इस पूरे मार्केट को सील कर दिया था, लेकिन अब जो सीलिंग का आदेश था उसे वापस ले लिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को लेकिन यहाँ पर दुकान लगाने की मनाही है, लेकिन आप देख पा रहे हैं अभी भी लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा है। क्या हुआ? क्या हुआ? हो रहा है, तंग हो रहे हैं लोग, ज्यादा भीड़ भड़ा के में चल रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा कोरोना फैल रहा है। क्या हुआ था? सर कल एक्चुअली ऐसा हुआ है, एक सेकंड के अंदर ही उन्होंने बोला कि मार्केट बंद कर दो। अच्छा। और मैंने शाम को ना रेहड़ी खड़ी करी, मेरी लड़कों में मेरी रेहड़ी नहीं पाई अभी तक। अब बताओ मैं कैसे करूँ? जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा है, काफी दिनों के बाद लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली थी, लेकिन फिर से सीलिंग का आदेश आ गया था, लेकिन देखिए अभी भी यहाँ पर दुकानें जरूर बंद है और धीरे धीरे ये दुकानें यहाँ पर खोली जा रही है। कुछ शॉपकीपर है, उनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। कल काफी ज्यादा भीड़ थी क्या यहाँ पर? कल काफी ज्यादा भीड़ लगी थी क्या सर? नहीं सर, हमारी तरफ तो स्पेस काफी है, हमारी तरफ इतनी भीड़ नहीं होती है। ये अंदर जो मार्केट है, इन लोगों ने पहले फट्टे खोल दिए थे, टीन सेट जो हटा दिए थे, उसकी वजह से मार्केट में रस हुआ। अच्छा। और उसकी वजह से सभी दुकानदार परेशान हो रहे हैं। तो अब खुलने के आदेश है? हाँ जी, सुबह सुनने में यही आता है कि खोले जाएंगे। देखिए धीरे धीरे दुकानें यहाँ पर खुलनी शुरू हो गई है। कल लेकिन यहाँ पर जो नजारा था, आप साफ साफ कहते हैं कि लोग मौत से मजाक कर रहे थे, तो हमारी भी एक गुजारिश है कि आप मौत से मजाक बिल्कुल भी ना करें। अगर मार्केट में भी है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अगर मार्केट एसोसिएशन के लोग देख रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि मार्केट में जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं बकायदा उनको बताएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, वरना आपके दुकान आपके मार्केट को भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग तमाम नियम गाइडलाइंस आप फॉलो नहीं करते हैं तो सील किया जा सकता है। फिलहाल सीलिंग खोलने के आदेश है, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर दुकानें अब खोली जा रही हैं।